नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के चाचा को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, सीबीआई ने पूर्व सांसद विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के चाचा वाईएस भास्कर रेड्डी को आज गिरफ्तार कर लिया है। विवेकानंद रेड्डी आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई और आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के चाचा थे। बता दें कि राज्य विधानसभा चुनाव से पहले हफ्ते 15 मार्च 2019 की रात पुली वेंदुला में उनके निवास पर उनकी हत्या कर दी गई, जो अब उनके भतीजे द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाने वाला निर्वाचन क्षेत्र है। वहीं पूर्व सांसद और आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी के चाचा विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में सीबीआई की टीम जगन रेड्डी के भाई भास्कर रेड्डी को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जांच शुरू में राज्य अपराध जांच विभाग के एक विशेष जांच दल द्वारा की गई थी, लेकिन जुलाई 2020 में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई के आरोप पत्र के अनुसार विवेकानंद रेड्डी कड़प्पा लोकसभा से अविनाश रेड्डी की बजाय कथित रूप से अपने या वाई एस शर्मिला, जो कि मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन है, या वाई एस विजयम्मा, जो दोस्तों जगन मोहन रेड्डी की मां है, के लिए संसदीय चुनाव का टिकट मांग रहे थे और उसकी हत्या कर दी थी। अब लेकिन दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर आपको बता दें, जगन मोहन रेड्डी के चाचा को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व सांसद की दोस्तों हत्या का इन पर आरोप है। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त।